हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं हूँ अपने कॉलेज के गेस्ट हाउस में। मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, मम्मा आए हैं और उनके साथ मामी आए हैं, तो उनके लिए रूम बुक किया था। कॉलेज का गेस्ट हाउस है अपना, तो अभी मैं वहाँ पे आई हूँ। इस तरह का बेड मिलता है आपको, चेयर्स है, पर्सनल वॉशरूम मिलता है और साथ में अलमीरा भी है, तो काफ़ी स्पेशियस रूम मिलता है। ये मिला है हमें, ये पड़ा है हमें 500 रुपये। तो इस तरह का व्यू आता है एज यू एंटर। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेड, विंडो, चेयर एंड एसी भी है ऊपर। और यहाँ पे बढ़िया गीजर लगा है जिसमें गर्म पानी आता है, तो गर्म पानी से आप नहा सकते हैं आराम से। तो इस तरह का है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा का गेस्ट हाउस, जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के लिए रूम बुक कर सकते हैं जब भी वो आपसे मिलने आते हैं। तो अभी अच्छे से नीट की तैयारी करो और बाद में आप कुछ इस तरह से लाइफ जियोगे। ओके, ऑल द बेस्ट। तो अभी की लाइफ अपडेट ये है कि अपने फाइनल पेपर ख़त्म हुए हैं MBBS के, फाइनल ईयर के। तो ये मान के चलो मतलब पूरे MBBS के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इंटर्नशिप में कोई पेपर नहीं होते। तो हमारे जितने भी पेपर होने थे वो सारे ख़त्म हो गए। MBBS को पूर्ण आहुति देने का मौका आ गया है, कुछ इस तरह का टाइम चला है अभी। अभी प्रैक्टिकल्स बचे हैं जो 21 तारीख से हैं और लगातार हैं 21 से 24 तक, मतलब संडे की भी छुट्टी नहीं है। अभी 5-4 दिन हैं अपने पास, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे एग्ज़ाम के बाद। आज ही ख़त्म हुआ बस दिन को, और शाम के टाइम मम्मा और मामी यहाँ पहुँच गए। काफ़ी अच्छा लगा आज तो मेरे को, आज तो मैं बहुत खुश थी। एग्ज़ाम लिखते लिखते भी मेरे को यही एक्साइटमेंट थी कि शाम को मम्मा आ जाएंगे, मामी आ जाएंगे। तो अभी घूमने का प्लान बनाएंगे, कहीं चलेंगे, किसी पहाड़ पर चढ़ेंगे। आपको पता तो है कांगड़ा में कितने पहाड़ हैं, इधर उधर कहीं चढ़ेंगे, कोई ना कोई जोत लगाएंगे ज़रूर। तो बस यही है, अभी कुछ और स्पेशल होएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बट हाँ, तो गाइस ये मामी लेके आए हैं सिड्डू कुल्लू से। तो अभी हमने गर्म कराया भैया से और एक भैया को गिफ्ट दिया है, तो भैया को बहुत अच्छा लगा होगा। खुश हुआ ना भैया? खुश हुआ ना भैया? मामी थैंक यू सो मच सिड्डू के लिए। अब खा के देखेंगे। ओके तो देखो, ये है ना हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश है, ये मंडी और कुल्लू में बनती है ना। तो ये आटे की स्टफिंग होती है और इसके अंदर अखरोट होते हैं, और ये अखरोट की चटनी। तो चलो अभी खाते हैं सिड्डू। क्या ही टेस्ट है इसका लाजवाब, मतलब मेरी तो फेवरेट डिश है और इतने सालों के बाद खा रही हूँ मैं आज इसको। थैंक यू मामी। हाँ हाय यार, तो अभी मैं अपने रूम पे पहुँच गई हूँ। अभी 10:30 बजे गेट बंद हो गया था, मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गई थी, तो गार्ड आंटी से फिर से खुलवाया रिक्वेस्ट करके और खोल दिया उन्होंने। अब सुबह मिलेंगे मम्मा और मामी से, फिर कल तो मैं वहीं रहने का प्लान बना रही हूँ और फिर कल घूमने भी जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और आप ही 2-4 दिन फ्री हों तो थोड़े से बना दूँगी वीडियोज़, इधर उधर की टूर दे दूँगी, तो आप बता देना कि आपको क्या देखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो, खुश रहो, मस्त रहो, भगवान से प्यार करो और खुद से प्यार करो। बाय बाय। हेलो गाइस, यहाँ हो रहा है ब्रश। चलने का सोचा था लेकिन अभी 10 बज रहे हैं, उठे नहीं गए सुबह, और मेरे से ज़्यादा लेट तो ये लोग हुए हैं। मैं तो फिर भी उठ गई थी, आ गई हूँ कब से। पर चलो अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं घूमने। मेरा मन तो त्रिउंड का है, देखते हैं मेरा क्या बनता है।